हेलो गाइज वेलकम बैक कौन सेग टू माई यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश गायजा मनू गाइज इन टू वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लाइक लाइक मुझे कॉलेज जाने में पंद्रह मिनट लगते हैं मेरे पापा को ऑफिस जाने में बीस मिनट लगते हैं मुझे चाय पीने में दस मिनट लगते हैं आपको इंग्लिश न्यूज पेपर में कितना समय लगता है तो गाइज टू वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक लाइक दिस ऑफ कॉल इन इंग्लिश सो विदाउट गेटिंग एनी डिले डेट्स गाइज जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत इट टेक्स से करेंगे इस तरह से जो भी हम फ्रेम करेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत बी आर जस्ट गोइंग टू विगेन द सेंटेंस विद इट टेक्स विद द हेल्प ऑफ इट टेक्स इट टेक्स गाइज मैं आपको बता दूँ लेट मी टेल यू इट टेक्स कॉन्सेप्ट इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड इफ यू स्पीक योर सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्पीक कॉन्फिडेंटली आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे ये जो इट इट टेक्स कॉन्सेप्ट है इट टेक्स इसके साथ स्पेशली टाइम आता है मतलब कि आपको कोई भी चीज करने में समय लगता है नहीं लगता है इस तरह की जो चीजें मेंशन करनी होती है तो हम इट टेक्स की कर शुरुआत करेंगे जैसे मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल का स्ट्रक्चर है इट टेक्स इट टेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम टू प्लस भी वन देन अदर थिंग इसका स्ट्रक्चर है इट टेक्स ऑब्जेक्ट इट टेक्स ऑब्जेक्ट टाइम टू भी वन फिर इस स्ट्रक्चर देखिए वन सेकेंड इट टेक्स ऑब्जेक्ट टाइम टू भी वन ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पे आप मतलब यहाँ पे किसी भी पर्सन को रख सकते हैं यानी कि जो पर्सन जिस पर्सन को काम करने में समय लगता है उस पर्सन को आप यहाँ पे इंडिकेट कीजिएगा और यहाँ पे जो इट है इस इट को हम एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं यहाँ पे टाइम में इट को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है एक एग्जाम्पल के थ्रू में इसे क्लियर करना चाहूंगी मुझे मुझे कॉलेज जाने में ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं मुझे कॉलेज जाने में ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं। मुझे कॉलेज जाने में ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं तो इट टेक्स सेंटेंस की शुरुआत करेंगे इट टेक्स मुझे कॉलेज जाने यानी इट टेक्स में किसे लगते मुझे लगते हैं तो इट टेक्स और यहां पे मुझे है तो ये, ये आपका ऑब्जेक्ट है इट टेक्स में इट टेक्स कितने मिनट लगते ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी इट टेक्स में ट्वेंटी मिनट्स टू गो टू कॉलेज मुझे कॉलेज जाने में ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं मुझे कॉलेज जाने में ट्वेंटी मिनट लगते हैं इट टेक्स में ट्वेंटी मिनट्स यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे इट टेक्स है इट टेक्स और किससे लगते है? मुझे लगते तो मुझे एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया इट टेक्स में ट्वेंटी मिनट्स टू गो टू कॉलेज मुझे कॉलेज जाने में ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं इट टेक्स मी ट्वेंटी मिनट्स टू गो टू टू गो टू कॉलेज इस तरह से आप भी बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं न्यूज पेपर पढ़ने में आधा घंटा लगता है इट टेक्स हिम या हर इट टेक्स हिम हाफ एन आवर टू रीड न्यूज पेपर मुझे चाय पीने में दस मिनट लगते हैं इट टेक्स मी इट टैक्स में टेन मिनट्स टू टेक टी इट टेक्स में टेन मिनट्स टू टेक टी मुझे पत्र लिखने में आधा घंटा लगता है तो इट टेक्स में हाफ एन आवर टू राइट अ लेटर मुझे किताब पढ़ने में टेन मिनट्स लगते हैं तो इट टैक्स में टेन मिनट्स यू नो टू रीड बुक टू रीड अ बुक तो गाय जी सिमिलियरली यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेज लाइक like, आपको, आपको क्या कौन कौन से वर्क को करने में कितना समय लगता है इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं आपको ब्रेकफास्ट करने में कितना समय लगता है आपको लंच करने में कितना समय लगता है आपको डिनर करने में कितना समय लगता है आपको आपको लंच फिनिश कर आपको अपना चाय पीने में कितना समय लगता है आपको पढ़ने में कितना समय लगता है लिखने में कितना समय लगता है आपको नोट बनाने में कितना समय लगता है कॉलेज जाने में कितना समय लगता है आपको एक्सरसाइज करने में कितना समय लगता है आपको मतलब कि आपको शॉपिंग करने में कितना समय लगता है यानी बहुत सारे सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इट टेक्स इट टेक्स के साथ आप बोल सकते हैं आप अगर आप बोलते हैं कि मुझे लगता है तो आप इट टेक्स मी बोलिए इट टेक्स मी मतलब कि मी एज ऑब्जेक्ट आप अपने बारे में बोल रहे हैं इट टेक्स मी अगर आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं तो इट टेक्स अगर वो मतलब कि फीमेल हैं जेंडर जेंडर में अगर फेमिनिन जेंडर है तो हर अगर वो मैस्कुलिन जेंडर है तो ही और यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखना होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट यूज करना होता है यानी कि हीम हर इस तरह से यूज करना होता है मी हीम हर क्वेश्चन करेंगे सामने वाले से तो यू या फिर अपने से कनेक्टेड जो पर्सन है माय फादर माय ब्रदर माय सिस्टर जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो भी में भी मैंने मेंशन किया हुआ है तो आप यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस आप बोलने की कोशिश कीजिए तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है मतलब आपको कौन से काम करने में कितना समय लगता है मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि मुझे कॉलेज जाने में ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं मुझे कॉलेज जाने 20 तो में ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं तो इट टेक्स मी इट टेक्स मी ट्वेंटी मिनट्स टू गो टू कॉलेज मैंने यहाँ पे मी लिखा हुआ है मी यानी कि यहाँ पे यह मी है तो ये मी मैंने यहाँ पर रखा है एज एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया गया मुझे कॉलेज आने में ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं तो इट टेक्स मी ट्वेंटी मिनट्स टू गो टू कॉलेज और गाइज मैंने सिंपल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए अब मैं आपको निगेटिव बताती तो अब निगेटिव का देखते हैं इट इट टेक यहाँ पे जो पर्सन है उस पर्सन के पे मेंशन करेंगे एज ऑब्जेक्ट टाइम टू भी वन थी इट इट डेक सॉरी इट डजेंट टेक यहाँ पे उस पर्सन को मैंशन करेंगे जिसके बारे में बात की जाती है इट इट डजेंट टेक ऑब्जेक्ट टाइम टू भी वन इट डजेंट टेक इट डजेंट टेक ऑब्जेक्ट टाइम टू वी वन ये आपको स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखना होगा इट डजेंट टेक ऑब्जेक्ट टाइम टू वी वन अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं it doesn't take me फाइव minutes टू टी मैंने कहा मुझे चाय पीने में पाँच मिनट नहीं लगते हैं मैंने नेगेटिव में बोला मुझे चाय पीने में पाँच मिनट नहीं लगते हैं इट इट टेक मी फाइव मिनट्स टू टेक टी स्ट्रक्चर देखिए इट डजन टेक मी यहाँ पे मैं अपने बारे में बोल रही हूँ तो यहाँ पे मी एज ऑब्जेक्ट आ गया इट डजन टेक मी फाइव मिनट्स टू टेक टी इट डजेंट टेक मे फाइव मिनट्स टू टेक टी मुझे चाय पीने में पाँच मिनट नहीं लगते हैं इट डजेंट टेक मे फाइव मिनट्स टू टेक टी इस तरह से आप भी बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं मुझे खाना बनाने में एक घंटा नहीं लगता है मुझे खाना बनाने में एक घंटा नहीं लगता है तो इट डजेंट टेक मे इट डेक मे वन आर टू कुक फूड इट डजेंट टेक मे वन आर टू कुक फूड मुझे एक लेसन पढ़ने में बीस मिनट नहीं लगते हैं तो इट डज़ेंट टेक मी ट्वेंटी मिनट्स टू रीड अ लेसन मेरे पापा को एक पोइट्री पढ़ने में एक पोयम पढ़ने में पाँच मिनट नहीं लगते हैं इट डजेंट टेक माई फादर फाइव मिनट्स टू टू रीड अ पोयम मुझे कॉलेज जाने में पच्चीस मिनट नहीं लगते हैं इट डेक मे टू गो टू कॉलेज इट डेक मे ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स टू गो टू कॉलेज इस तरह से गाएज आप भी बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं काफी ईजी है टफ नहीं है वो काफी ईजी है मैंने कहा आ, कुछ और एग्जाम्पल मुझे मुझे ब्रेकफास्ट करने में पंद्रह मिनट लगते हैं इट टेक्स मी फिफ्टीन मिनट्स टू हैव ब्रेकफास्ट मुझे ब्रेकफास्ट करने में पंद्रह मिनट लगते हैं इट टेक्स मी फिफ्टीन मिनट्स टू हैव ब्रेकफास्ट जब निगेटिव बोलेंगे तो इट डजेंट इट डजन टेक मी फिफ्टीन मिनट्स तो टू हैव ब्रेकफास्ट मुझे ब्रेकफास्ट करने में पंद्रह मिनट लगते हैं मुझे अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे ब्रेकफास्ट करने में पंद्रह मिनट लगते हैं तो आप बोलिए इट टेक्स मी इट टेक्स मी फिफ्टीन मिनट्स टू हैव ब्रेकफास्ट अगर ये बोलना है कि मुझे ब्रेकफास्ट करने में पंद्रह मिनट नहीं लगते हैं तो इट डजेंट टेक मी फिफ्टीन मिनट्स टू हैव ब्रेकफास्ट इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस आप अपने तरफ से फ्रेम कर सकते हैं गाइस आप इंट्रीगेटिव देखते हैं इंट्रीगेटिव कैसे फ्रेम होता है इसमें डज को पहले करते हैं डज डज़, डज़ डज इट या आप उस पर्सन को मेंशन करेंगे एज ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टाइम टू प्लस प्लस साइन ऑफ डज 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 प्लस प्लस इट टेक डज प्लस डज प्लस इट टेक यहाँ पे उस पर्सन को मेंशन मैं आई ऑब्जेक्ट डज प्लस इट टेक पर्सन ड प्लस इट टेक ऑब्जेक्ट टाइम टू प्लस वन प्लस ऑफ इंटीग्रेशन क्या आपको क्या आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में मैंने कहा क्या आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में एक घंटा लगता है मैं सामने वाले से क्वेश्चन कर रही हूँ इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सामने वाले से क्वेश्चन किया जाता है कि मतलब आप आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं कन्फर्मेशन करना चाहते हैं कि कन्फर्म होना चाहते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति उसको कौन से काम करने में कितना समय लगता है तो इस तरह से कि आपको न्यूज पेपर बढ़ने में एक घंटा लगता है डज इट टेक यू वन आर टू रीड न्यूज पेपर क्या आपको क्या आपको क्या आपको न्यूज पे, न्यूज पेपर पढ़ने में एक घंटा लगता है डज इट टेक यू डज इट टेक यू वन आर टू रीड न्यूज पेपर देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है डज प्लस इट टेक डज इट टेक यहाँ पे यहाँ पे उस पर्सन को मेंशन करेंगे जि, जिसके बारे में बात की जा रही है आई ए ऑब्जेक्ट डज डज प्लस इट टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम टू प्लस भी वन प्लस आइन एफ्रिकेशन क्या आपको न्यूज पेपर पढ़ने में एक घंटा लगता है तो डज इट टेक यू वन आवर टू रीड न्यूज पेपर तो आप भी बहुत सारे सेंटेंस बोलिए क्या आपको अगर मैंने क्वेश्चन किया कि क्या आपको स्कूल जाने में आधा घंटा लगता है तो डज इट टेक यू डज इट टेक यू हाफ एन आवर टू गो टू स्कूल क्या आपको खाना खाने में पंद्रह मिनट लगते हैं डज इट टेक यू फिफ्टीन मिनट्स टू हैव टू हैव फूड लाइक योर डिनर योर ब्रेकफास्ट योर लंच क्या आपको होमवर्क बनाने में क्या आपको होमवर्क कंप्लीट करने में एक घंटा लगता है डज इट टेक यू वन आवर टू कम्प्लीट होमवर्क क्या आपको एक लेसन क्या आपको एक लेसन पढ़ने में पाँच मिनट लगते हैं दज इट टेक यू फाइव मिनट्स टू रीड वन चैप्टर क्या आपको चाय पीने में दस मिनट लगते हैं दज इट टेक यू टेन मिनट्स टू टेक टी क्या आपको मैगी बनाने में दस मिनट लगते हैं दज इट टेक यू टेन मिनट्स टू कुक मैगी सो so गाइज आप भी बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं अब एक सेंटेंस और है अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि आपको आपको ब्रेकफास्ट करने में कितना समय लगता है आपको लंच करने में कितना समय लगता है आपको कॉलेज जाने में कितना समय लगता है आपको ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है आपको शॉपिंग करने में कितना समय लगता है आपको पत्र लिखने में कितना समय लगता है आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना समय लगता है तो इस तरह के जो सेंटेंस बोलना होता है इसकी शुरुआत करते हैं हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम डज इट टेक यू इसका स्ट्रक्चर होता है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक यू जो आपका वर्ब जो एक्शन है उस एक्शन को आप वहां पर रख के और अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम डज इट टेक यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो जिस पर्सन को मेंशन करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ हाउ मच टाइम डज इट टेक यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस बर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन साइन ऑफ इंटरग्रेशन हाउ मच टाइम डज इट टेक इसका स्ट्रक्चर होगा हाउ मच टाइम डज इट टेक और जो भी यहाँ पे पर्सन है आई जे ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हाउ मच टाइम डज इट टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म बर्ब

आपको ऑफिस जाने में कितना समय लगता है क्वेश्चन है आपको ऑफिस जाने में कितना समय लगता है तो इसका कैसे आप इंग्लिश फ्रेम करेंगे आपको ऑफिस जाने में कितना समय लगता है तो कितना समय कितना ये जो है आपको ऑफिस जाने के कितना समय तो की इंग्लिश होती है हाउ मच टाइम कितना समय लगता है कितना समय लगता है हाउ मच टाइम डज इट टेक कितना समय लगता है हाउ मच टाइम डज इट टेक इसका स्ट्रक्चर है कितना समय लगता है हाउ मच टाइम डज इट टेक अब उसके से यहाँ पे आप जो भी पर्सन एज ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे आप यूज कर देंगे जैसे मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया है हाउ मच टाइम डज इट टेक जो भी पर्सन आएगा यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट यूज करेंगे फिर उसके बाद टू प्लस बी वन साइन ऑफ तो हाउ मच टाइम डज इट टेक यू हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू गो टू ऑफिस पुट इन इन इंटरगेटिव आपको ऑफिस जाने में आपको ऑफिस सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए हाउ मच टाइम डज इट टेक डज इट टेक उसके बाद से जो पर्सन हो तो उसको एज ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है फिर टू फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म फिर देन देन साइन ऑफ एप्लीकेशन हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू गो टू ऑफिस यहाँ पे आप जो भी एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा बोल के फिर साइन ऑफ इंट्रोडक्शन लगा दीजिए आपको ऑफिस जाने में कितना समय लगता है तो कितना समय लगता है इंग्लिश होती है हाउ मच टाइम डज इट टेक यू इसको ये मतलब एक फ्रेम एक आ, स्ट्रक्चर है इसको ध्यान रखिएगा कि आप कितना समय लगता है हाउ मच टाइम डज इट टेक यू आपको ऑफिस जर्म कितना समय लगता है हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू गो टू ऑफिस आपको ऑफिस जर्म कितना समय लगता है हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू गो टू ऑफिस आपको ऑफिस जाने में कितना समय लगता है इस तरह से कहा आप भी कुछ बहुत सारे सेंटेंस बोलिए आपको लंच करने में कितना समय लगता है हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू फिनिश योर लंच आपको स्कूल जाने में कितना समय लगता है हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू गो टू स्कूल आपको आपको एक आपको पत्र लिखने में कितना समय लगता है हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू राइट ए लेटर आपको ब्रेकफास्ट करने में कितना समय लगता है हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू हैव यर ब्रेकफास्ट आपको चाय पीने में कितना समय लगता है हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू टेक टी तो भाई जिस तरह से आप बहुत सारे एक्शंस को हाउ मच टाइम के साथ लगा के आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं हाउ मच टाइम हाउ मतलब आपको चाय पीने में कितना समय लगता है आपको ब्रेकफास्ट करने में कितना समय लगता है आपको डिनर करने में कितना समय लगता है आपको कॉफी चाय में कितना समय लगता है आपको शॉपिंग करने में कितना समय लगता है आपको मतलब कि बहुत सारे सेंटेंस हैं आप एक्शंस को दिमाग में रखिए बहुत सारे सेंटेंस को आप खुद फ्रेम कर सकते हैं ये और आप प्रैक्टिस इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए जैसे कि मैंने कहा सिंपल निगेटिव इंटरगेटिव कोई भी एक सेंटेंस लीजिए और तीनों फ्रेम तीनों में तीनों फॉर्म में बोलिए जैसे कि मुझे मुझे चाय पीने में दस मिनट लगते हैं अब इसका तीनों फॉर्म इसको प्रैक्टिस कीजिए मुझे चाय पीने में दस मिनट लगते हैं तो इट टेक्स में मुझे चाय पीने में दस मिनट लगते हैं इट टेक्स में टेन मिनट्स इट टेक्स में टेन मिनट्स टू टेक टी मुझे चाय पीने में दस मिनट लगते हैं मुझे चाय पीने में दस मिनट लगते हैं तो इट टेक्स मी टेन टी मुझे चाय पीने में दस मिनट नहीं लगते हैं तो इट टेक मी इट टेक मी टेन मिनट्स टू टेक टी मुझे न्यूज पेपर पढ़ने में आधा घंटा नहीं लगता है सबसे पहले सॉरी सबसे पहले सिंपल मुझे न्यूज पेपर पढ़ने में आधा घंटा लगता है इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू रीड न्यूज पेपर मुझे न्यूज़ पेपर में आधा घंटा नहीं लगता है इट डजन टेक मी हाफ एन आवर टू रीड न्यूज़ पेपर क्या आपको न्यूज़ पेपर पढ़ने में आधा घंटा लगता है डज इट टेक यू हाफ एन आवर टू रीड न्यूज पेपर आपको न्यूज़ पेपर में कितना समय लगता है हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू रीड अ न्यूज़ पेपर मुझे एक पैसेज को एक्सप्लेन करने में दस मिनट लगते हैं इट टेक्स मी टेन मिनट्स टू एक्सप्लेन अ पैसेज It does not take me 10 minutes to explain a passage. Does it take you 10 minutes to explain a passage? How much time does it take you to explain a passage? It does not, it takes me, it takes me, it takes me 20 minutes to write a letter. It takes me 20 minutes to write a letter. It does not take me 20 minutes to write a letter. Does it take you 20 minutes to write a letter? How much time does it take you? हाउ मच टैम डज इट टेक यू टू राइट ए लेटर सो गायज इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं बना सकते हैं बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन हाँ कोई भी एक सेंटेंस बोलिए उसका आप सिंपल निगेटिव इंट्रिगेटिव तीनों फार्म को एक सब प्रैक्टिस कीजिए ताकि यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें एंड यू कैन रियली रियली डेफिनेटली बूस्ट यूर कॉन्फिडेंस गाइज मैं इन द एंड ऑफ वीडियो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज गायज आप आ, मतलब अगर आपको ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को आप लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो टू मैनी आप इसे बहुत लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ओके गाइज थैंक यू बाय बाय